गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर माय सेल्फ विनोद कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी टुडे स्टार्टेड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सो टुडे डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन ऑन एनाटोमी एनाटोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर पार्ट्स एनाटोमी वर्ड्स मेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटोम मीन्स डिसेक्शन और कटिंग मीन्स इसके अंतर्गत यह एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव एवं उनके भागों का अध्ययन करते हैं एनाटोमी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है एनाटोम जिसका मतलब होता है डिसेक्शन और कटिंग फादर ऑफ एनाटोमी एंडेरियस बेसेलियस आ बोर्न इन फिफ्टीन फोर्टीन there are physician familian there are anatomist and physicians physiology human physiology is the study of function of body parts explanation of human anatomy and physiology anatomy is the study of structure and physiology is the study of functions but actually these two fields of study इज सो इंटर रिलेटेड एंड क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर दैट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम यानी ह्यूमन एनाटोमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के लिए हम बॉडीज़ में किसी भी ऑर्गन्स को ले सकते हैं जैसे लंग्स हर्ट पैनक्रियाज लीवर प्रेजेंट टाइम थिंक अबाउट हर्ट इन एनाटोमी स्टडीज द सेप साइज एंड कवरिंग ऑफ इट हर्ट का आकार कैसा है उसका साइज कैसा है वह कैसे कवर है इट्स पोजिशन रिलेटेड टू अदर ऑर्गन्स एंड चेस्ट वाल हर्ट किस जगह स्थित है कहाँ जुड़ा हुआ है किस पार्ट में स्थित है What are the blood vessels that go into and comes out if it? इसमें कौन कौन सी blood vessels आ रही हैं कौन कौन सी blood vessels जा रही हैं How the wall of the heart is made? Heart की वाल कैसे बनी हुई है किस टिश्यू से बनी है कौन सी सेल्स से बनी हुई है इसके बारे में स्टडी करते हैं हाउ मेड लेयर्स आर देयर इसमें कितनी लेयर्स प्रजेंट होती हैं हाउ मैनी ब्लड बेसल्स एंड नर्व सप्लाई द हर्ट इसमें कौन कौन सी ब्लड बेसल्स हैं एंड कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है और कैसे होती है हाउ मैनी बाल्ब्स डज इट द हर्ट कितने बाल्ब्स होते हैं द फिजियोलॉजी ऑफ हर्ट स्टडीज दैट हार्ट डज इट डू यानी फिजियोलॉजी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और कौन कौन से कार्यों का अध्ययन करते हैं हाउ डज कॉन्ट्रैक्ट हर्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कैसे सिकुड़ता है वट रेगुलेट द हर्ट क्या हर्ट रेगुलर कार्य करता है वट डज द हर्ट रेगुलेटेड यह रेगुलेट कैसे रहता है वट हैपेंस इन अ साइकिल ऑफ इट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्जेशन हर्ट की कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने और शिथिल होने की प्रक्रिया कैसे होती है और साइकिल कितने दौरान चलती है कितना समय लेती है इस साइकिल में कितना समय लगता है इस प्रकार से हम फिजियोलॉजी का अध्ययन करते हैं पार्ट द वाल्व्स, वाल्व्स क्या होते हैं हाउ द चैम्बर्स इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं कैसे चैम्बर्स होते हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं इन अ वर्ड एनाटोमी डील्स विथ हाउ आवर बॉडी इज मेड एंड फिजियोलॉजी डील्स विथ दैट डज it do and how does it do it anatomy and physiology are related because structure help to function and function shape to structure dosto aaj ki video mein hum itna hi batayenge introduction of human anatomy and physiology इसमें आपको पता चल गया होगा कि human anatomy में और physiology में किस चीज़ की स्टडी करते हैं क्या स्टूडाइज करते हैं इस तरह की वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाएं कमेंट करें हमारी वीडियोस को लाइक करें मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले प्राप्त होगी वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वेरी वेरी थैंक्स